Hello viewers, welcome to Astro Intelligence videos. Real Astro Vedic Foundation ki Mumbai conference ki apar safalta ke baad, we had one seminar in Goa also. Jis din hum Goa pahunche, that day was a unique day, kyunki that day was full moon day. Aur wahan par jab hum pahunche, to hamare liye ek स्पेशल उन्होंने एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया था और वो जो गेट टुगेदर था बिकॉज दैट रिजॉर्ट वाज हैविंग अ पर्सनल बीच और उस बीच के ऊपर उन्होंने एक बॉनफायर लगाकर उन्होंने एक हमारे लिए जस्ट वेलकम कह लीजिए वैसा एक अरेंजमेंट उन्होंने हमारे लिए किया हुआ था. देयर वाज डांस एंड देन मेडिटेशन सेशन. Because that group was a 100% foreigners group, वहाँ पर चलता भी योगा और मेडिटेशन ही है. So, after that program, we had very good meditation session. और वहीं से मेरे मन में एक आया कि मैं इस पूरे इवेंट को astrologically define करने की कोशिश करूँगा. So, दर्शकों आपके सामने उसी डे की एक छोटी सी वीडियो भी पहले आपको दिखाई जाएगी और उसके बाद मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि फुल मून चार्ट में क्या रोल प्ले करता है और किसी के हॉरोस्कोप में अगर आ जाए तो उसका क्या मीनिंग, हमें कैसे उसको डिकोड करना है, कैसे डिसाइफर करना है, उस चीज को आज हम जानेंगे. अब सबसे पहले फुल मून होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं. अगर हम सिंपल प्लेनेटरी सिस्टम की बात करें या जिसको हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, वो क्या होता है? फुल मून वाला दिन क्या है? जिस दिन अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी कि आपको उस दिन पूरा मून, पूरा चंद्रमा, पूरे बड़े साइज का चंद्रमा आपको विजिबल होता है. जियोग्राफिकल ये इसकी इंपॉर्टेंस है और ये भी है कि चंद्रमा उस दिन धरती के काफी करीब भी होता है. धरती पे करीब होने से क्या होता है, जो सी है, ओशन है, वहां पे टाइडल वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ये तो है उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू. टाइडल वेव बढ़ जाती हैं, चंद्रमा बहुत करीब आता है. नॉर्मल डेज में हम जैसे सनसेट देखते हैं उस दिन, ये शास्त्रों में भी बोला गया है कि आप मून सेट देखें. सो हमने भी वहां पर मून सेट भी देखा और ड्यूरिंग मून सेट मेडिटेशन भी हुई. मगर उससे ज्यादा जरूरी था आप सभी दर्शकों को समझाना कि किसी के भी चार्ट में अगर फुल मून इंपैक्ट आ रहा है तो उसको कैसे डिसाइफर करना है या डीकोड करना है. आज हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे. सो इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन पर पहुंचूं, मैं आपको उस दिन के आप जो हमारे लिए एक छोटा सा उन्होंने वेलकम पार्टी रखी थी उसकी वीडियो क्लिप आप देखोगे. उसके बाद हम स्ट्रेटवे चलेंगे चार्ट पर, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि फुल मून एक्चुअल में क्या होता है.
दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर आपके सामने 21 जनवरी 2019 के सुबह 4:14 का यह समय, जो हम उस समय गोवा में थे, ये उस समय का हॉरोस्कोप है, या ये अर्ली मॉर्निंग 21 जनवरी 2019 का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहां पर नक्षत्र आपके सामने हैं, मगर जो सबसे ज्यादा खास चीज आपके लिए है कि फुल मून को मैं आपको कैसे समझाऊंगा। अब आप देखिए, यहां पर सूर्य और चंद्रमा ये आमने सामने एक ही एक्सिस में है, और उस दिन दैट एक्सिस वाज इन 3rd and 9th house। ये सूर्य और चंद्रमा का आमने सामने होना और साथ में ही, अब आप देखोगे चंद्रमा के साथ राहु है और केतु के साथ सूर्य है, ये जो कॉम्बिनेशन बनती है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसे ग्रहण योग भी कह दिया जाता है, मगर जो दर्शक मेरे साथ इतने समय से एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं ग्रहण को दूसरे तरीके से डिकोड करता हूं। ग्रहण का मतलब ये सिर्फ ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि ये आसमान में ग्रहण लग गया, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में आत्मिक दोष या मानसिक दोष है, यानी कि दिस दोषा इज कमिंग फ्रॉम सोल लेवल और फ्रॉम साइकोलॉजिकल लेवल। मगर अब यहां पर, अब आप देखिए चंद्रमा के साथ राहु महाराज आ गए, एंड दैट टू इन 9th house हैविंग 4th house एनर्जीज, मीन्स राशि यहां पर है कैंसर की, कैंसर की राशि। अगर हम इसको राशि के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 9th house में, यानी सेजिटेरियस में, भृगु बिंदु भी यहीं पर प्रेजेंट है। अब भृगु बिंदु ये एक्चुअल में राहु और चंद्रमा का मीन पॉइंट ही होता है, कि दैट मींस इस टाइम वो एक्टिविटी तो होनी निश्चित है, कि वो एक्टिविटी होगी ही होगी। भृगु बिंदु को हम डेस्टिनी पॉइंट के नाम से भी कह सकते हैं। अब ये इसका 9th house में आने का मतलब है कि इस समय जुपिटर रिलेटेड एक्टिविटीज राहु है बढ़ा देगा, और चंद्रमा जो मन का कारक है और अपने ही घर में प्रेजेंट है, चंद्रमा क्योंकि 4th house एनर्जी है, चंद्रमा अपने ही घर में प्रेजेंट है, तो यहां पर चंद्रमा काफी स्ट्रांग अवस्था में है। अब चंद्रमा का स्ट्रांग अवस्था में होना और राहु का साथ में होना, यह चंद्रमा को और बढ़ा देगा, मींस आपकी साइकोलॉजी को, आपके मन को या आपके मनस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब 9th house होने से यह संभावना बढ़ जाती है कि यहां पर नॉलेज का प्रव्यू बढ़ जाएगा। अब जब हम इसके ऑपोजिट हाउस यानी कि इसके शक्ति स्थान को देखेंगे, तो आप पाओगे कि सूर्य केतु के साथ है, सूर्य मास्क हो गया, सूर्य केतु के साथ आकर दैट मींस डिसोशिएट हो जाता है, और डिसोशिएट किस चीज से हो जाता है, वो होता है मरकरी से। मरकरी गिव्स यू लर्निंग, उस समय व्हाट वाज रिक्वायर्ड, व्हाट सिंपल चाहिए था कि इंसान अपने मन को कंट्रोल में करके, बुद्धि और विचारों को कंट्रोल में करके डीप से डीप मेडिटेशन में चला जाए, और जिन लोगों ने उस दिन उस समय मेडिटेशन में गए और उनको इसी अवस्था का आभास हुआ, दे हैड वेरी डीप ट्रांस। और ये ट्रांस एक्चुअल में क्या था, एनर्जी का फ्लो था, एनर्जी का फ्लो बहुत डीप हो जाता है। कारण क्या है, यहां पर आपको विचारों से डिसएसोशिएट केतु महाराज ने कर दिया। सो अब आप अगर इस चार्ट को देखेंगे तो यहां पर केतु ने आपकी मरकरी को डिसएसोशिएट कर दिया आत्मा से,
मरकरी का मतलब क्या है? जो आपके विचार, जो आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, उससे आप डिसोशिएट हो गए, आप आत्मा के करीब पहुंच गए. मींस जो विचार आपको भटकाते थे उससे आपकी आत्मा दूर चली गई. और आत्मा के दूर चले जाते ही मन, जो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बन रही है कि कैंसर राशि में नाइन्थ हाउस में चंद्रमा राहु के साथ और भृगु बिंदु के साथ प्रेजेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग शक्ति योग बना रहा है. और ये शक्ति योग ये सीधा सीधा कह रहा है कि मन अगर मेडिटेशन करेगा तो ये अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है. बहुत डीप ट्रांस में जाकर आत्मा का निरीक्षण कर सकता है, आत्मा से मुलाकात हो सकती है. सो जिन लोगों ने भी इस समय मेडिटेशन की, उनको फील हुआ होगा दे वेंट इन वेरी वेरी डीप ट्रांस. एक्चुअली अब ये जो फुल मून है, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल घटना नहीं है. ज्योग्राफिकल घटना है, सिर्फ उसका इंपैक्ट आप देख सकते हो कि समुद्र में टाइडल वेव्स बढ़ जाती हैं. मगर असली चीज क्या है? असली चीज ये है कि उस समय आपका मन छलांगे मार रहा है अपनी आत्मा से मिलने के लिए. और उस समय मन सबसे ज्यादा प्रकाशित फॉर्म में है, क्योंकि जो प्रकाश आत्मा को मिला है वो प्रदूषित नहीं है. और अगर इस चार्ट में भी आप देखोगे गुरु और शुक्र, दैट इज वाई वो सेलिब्रेशन उस दिन हुई. मगर ये भी एक बात थी, शनि क्योंकि फैमिली के हाउस में था, देयर वाज डिसिप्लिन, 100% डिसिप्लिन वाज देयर. सो अगर आप इन चीजों को दोस्तों चार्ट के माध्यम से, ऐसे ज्योग्राफिकल इवेंट्स जो कभी कभार आते हैं, आप इनको देखने का प्रयास करें. फुल मून था और उस दिन मून सेट देखने चाहिए था. जो लोग बाहर निकल के, चांस होता है कि आप मून सेट, क्योंकि वो तो समुद्र के पास ही जाके देखा जा सकता है, वैसे तो देखना पॉसिबल नहीं है. सो जिन जिन लोगों को भी लाइफ में मौका मिले, आप ऐसे दिनों में जाइए, वहां पर मन को एकाग्रित करके सिर्फ बाहरी आंखों से मून सेट मत देखिए. उस दिन एक्चुअल में मून सेट यानी के मून को डूबता हुआ आप देखिए. और जब मन डूब जाएगा तो आपको आत्मा के करीब आने का मौका मिल जाएगा. आप अपनी आत्मा को अपने मूलभूत स्वभाव में देख पाओगे. और यही एस्ट्रोलॉजी का मोटिव है, यही हमारे लाइफ का मोटिव है कि हमें अपनी आत्मा को देखना है, आत्मा को सर्च करना है, आत्मा से मिलके आत्मा को डेवलप करना है. और ये प्रयास हमारा एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार का तो है कि ऐसे इवेंट्स के माध्यम से भी हम आपको एजुकेट करने का प्रयास करते हैं. सो दर्शकों, दोबारा से जो रिक्वेस्ट मैं आपसे हमेशा करता हूँ वो इस वीडियो में भी करूँगा कि ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, घर घर तक पहुँचाइए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज आपको मिल सके. और उस ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज को लेकर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी को स्ट्रांग करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रांग करें, अपने आप को जानें और लोगों को भी उनके बारे में बताकर उनके जीवन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें. जो दर्शक मेरे साथ इस यात्रा में चलना चाहते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए I am having only one number and that is 9881-64480. और इस नंबर पर आप हमेशा मेरे बेटे मनु से ही आपकी बातचीत होगी और उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद दोस्तों.